ट्रिग्नोमेट्री के लिए आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास देने वाला हूँ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब आप सबको पता ही है साइन थीटा जीरो कब होता है। साइन थीटा जीरो जीरो डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे होता है, 360 पे, 720 वगैरह, मतलब पाई के मल्टीपल पे होता है। लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ और ये आपको रिजल्ट याद भी रखने हैं। जो जो रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा ये आपको याद भी रखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये एक्स वाई एक्सिस पे ये हमने सेंटर ओरिजिन है वो। इस ट्राइंगल में आप देखो ओ ए एम साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना। अब यहां पे हमें यहां पे साइन थीटा को जीरो लेना है, क्योंकि साइन थीटा यहां पे हमें जीरो लेना है। तो पी एम अपॉन ओ पी कितना हो गया जीरो, तो पी एम कितना हो गया जीरो। ठीक है, अब आप एक बात देखो कि पी एम जीरो कब होगा। पी एम जीरो तब होगा जब ओ पी एक्स एक्स एक्सिस को कॉइंसाइड करेगी, मतलब ओ पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो हम ऐसे लिख देंगे ओ पी कॉइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये कब होगा जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। और ये माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि एंगल हमारा ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा जब थीटा इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि साइन थीटा जीरो कब होता है एन पाई पे। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा मैं इसका प्रूफ बता दिया कि साइन की वैल्यू जीरो कब होती है जब थीटा कितना होता है एन पाई। ठीक है, अब हम ऐसे कोस के लिए बताते हैं, फिर टैन के लिए, फिर और भी जनरल फॉर्मूले हैं हमारे। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड है हमारा कोस थीटा इक्वल टू जीरो। अब आप सबको पता है कि कोस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ओ एम अपॉन ओ पी इक्वल टू जीरो। ओ एम अपॉन ओ पी इक्वल टू जीरो, तो ओ एम कितना आ गया जीरो। अब आप बताओ ओ एम जीरो कब होगा, व्हेन पी एम कॉइंसाइड विद वाई एक्सिस। मतलब ऐसा लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल व्हेन पी एम कॉइंसाइड विद वाई एक्सिस। ठीक है, मीन्स वाई एक्सिस का मतलब एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और अगर यहां पे हम लेंगे तो कितना होगा 3π/2, और ऐसे ही हम रिवर्स करते रहेंगे 5π/2, और प्लस माइनस तो होगा ही होगा क्योंकि एंगल हम ऐसे भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि cos थीटा जीरो कब होगा जब थीटा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई अपॉन 2, वेयर n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया कोस थीटा के लिए, है ना। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं।
तो कोस की वैल्यू जीरो कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू इंटीजर, मतलब जीरो वन टू थ्री वगैरह रखते रहेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आती रहेगी। जैसे एन की जगह जीरो रखेंगे तो पाई बाई टू आएगा, वन रखेंगे थ्री पाई बाई टू, टू रखेंगे फाइव बाई टू एंड सो ऐसी माइनस में। तो एक रिजल्ट ये हो गया। अब टेन के लिए थर्ड है हमारा टेन थीटा इक्वल टू जीरो। अब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीएम अपॉन ओएम इक्वल टू जीरो, मीन्स पीएम इक्वल टू जीरो। पीएम कब जीरो होगा बताओ, पीएम जीरो कब होगा, जब ओपी कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस, यानी ये सिमिलरली साइन थीटा के जैसा होगा। तो लिख देंगे इज पॉसिबल व्हेन ओपी कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस, यानी थीटा इक्वल टू एन पाई, ठीक है, थीटा इक्वल टू एन पाई पे हमारा ये जीरो हो। तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट हो गया। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा कब होता है जीरो एन पाई पे, कोस थीटा कब होता है टू एन प्लस वन पाई बाई टू, और टेन थीटा कब होता है एन पाई पे, ठीक है। इन्हीं के जैसे हम उनके रेसिप्रोकल के कर सकते हैं, साइन के जैसे कोसेक का, कोस के जैसे सेक का, या टेन के जैसे कोट का, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गया हमारा जीरो के लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, वो है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। देखो हम ये क्यों निकाल रहे हैं, जैसे भी साइन थीटा इक्वल टू हमारा वन बाई टू आ गया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू कितने पे होती है पाई बाई सिक्स, लेकिन खाली पाई बाई सिक्स पे थोड़ी होती है, और पे भी तो होती है, 1 by 2 pi by 6, 5 pi by 6, है ना, इस तरह से हमारी वैल्यू निकलती जाती है। तो ये सब निकालने के लिए हमें जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, और आइडेंटिटी यूज कर लेंगे साइन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू टू कोस ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। तो ये हम यूज करते हैं, तो टू कोस थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। अब इनको अलग अलग हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, cos theta plus alpha upon 2 equal to 0, sin theta minus alpha upon 2 equal to 0. sin की वैल्यू 0 कितने पे होती है, cos की वैल्यू theta plus alpha upon 2 equal to 2n plus 1 pi by 2, और sin की, sin की क्या बताई थी आपको अभी, 0 n pi पे। तो यहां से अगर हम थीटा निकालते हैं तो आता है 2n प्लस 1, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, तो यहां से आ गया थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अब ये दो अलग अलग रिजल्ट है, लेकिन हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो इन दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे वो आप अच्छे से समझना, मेन बात यह है, ठीक है। तो समझ में आ गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा को इधर ले आएंगे, तो आइडेंटिटी लगा के दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख के साइन और कोस के जनरल फॉर्मूला लगा दिया। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है वो जरा समझ लेना अच्छे से। देखो इसका मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू ओड नंबर है ना, ओड नंबर है, मैं ऐसे लिख देता हूँ पाई वन, और इसका मतलब क्या है इवन। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, और ये कंबाइन कैसे करना है बस वो बता रहा हूं, थीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू कोस अल्फा,
थीटा इक्वल टू आएगा, देखो ओड नंबर है और इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे एन पाई लिख देते हैं। अब एन का मतलब क्या है, एन मतलब क्या है, इंटीजर। अगर हम इंटीजर लेते हैं वन, वन का मतलब ओड नंबर, तो कितना आना चाहिए, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, तो वन लेने पे माइनस अल्फा कब आएगा, जब हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे माइनस वन की पावर एन। अब आप देखो अगर हम एन की वैल्यू वन लेते हैं यानी ओड नंबर तो माइनस में आएगा, और अगर हम एन की वैल्यू टू लेते हैं तो टू पाई मतलब इवन नंबर, तो यहाँ पे प्लस अल्फा हो जाएगा। थ्री लेंगे तो ओड नंबर, थ्री पाई माइनस अल्फा, यानी ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये आपको याद रखना है और बहुत ही ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे किसी भी लेवल की ट्रिग्नोमेट्री होगी, ये जनरल फॉर्मूले यही चलेंगे और ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा साइन का। अब हम बताते हैं आपको कोस थीटा का। तो नंबर फाइव, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, तो इसको भी वैसे करते हैं, कोस थीटा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू जीरो। कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू, फिर साइन ए माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू जीरो, बाहर माइनस भी होता है, तो ये तो जीरो हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से कितना आ गया, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू, और यहाँ से साइन अल्फा माइनस बी अपॉन, ठीक है। अब साइन की वैल्यू जीरो कितने पे होती है, थीटा इक्वल टू एन पाई, एन पाई, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई टू एन पाई माइनस अल्फा, यहां से आ गई टू एन पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे इन दोनों को कंबाइन करेंगे क्या आंसर मिलेगा, दोनों सेम एक्सप्रेशन है माइनस प्लस, ठीक है। तो इन दोनों कंबाइन लिख के मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, समझ में आ गया होगा, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, इसको इधर ले आए फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज आ गए। तो ऑन कंबाइनिंग थीटा इक्वल टू आ गया टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसके लिए, tan के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, tan के लिए, तो tan के लिए आपको ये याद रखना, ये किसके लिए हो गया, cos के लिए, ठीक है। अब किसका बचा है हमारा, tan के लिए। और एक बात और बता देते हैं, जैसे sin का है वैसे cosec का सेम रिजल्ट, और जैसे cos का है वैसे ही हमारा sec। अब लास्ट है हमारा, बिल्कुल लास्ट है, 6 tan थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मतलब साइन की तरह से भी कर सकते हैं, या एक काम कर लेते हैं, इसको हमने लिख दिया साइन अपॉन कोस, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो साइन थीटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आ गया, मतलब ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन की वैल्यू जीरो कितने पे होती है, एन पाई पे, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए, टेन के लिए, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको 6 फॉर्मूले बता दिए, और किसी भी लेवल की ट्रिग्नोमेट्री में ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो मैं एक बार रिजल्ट फाइनल लिख देता हूँ, फिर क्लास खत्म करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे 6 हैं, साइन थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है, जब थीटा होता है एन पाई, कोस थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, tan थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू एन पाई, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कब होगा, जब थीटा इक्वल टू
एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा, और कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, जब थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, जब थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। इस तरह से ये छह फॉर्मूले हो गए। तो ये सिक्स फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जनरल सॉल्यूशन, और मैंने आपको उनका डेरिवेशन भी बता दिया था, ठीक है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखने हैं। थैंक यू वेरी मच।